ये वॉल एक मैजिक दिखाऊंगा गाइस आपको। चलो अभी हम बंद करते हैं इस लाइट को और लगाते हैं एक प्लग। हे हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, क्या आप सभी के, होप यू ऑल गाइस आर गुड। दिस इज कुर सिंह बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। आज होने वाला है एक सीन तुम्हारे भाई के साथ, और वो सीन क्या है, वो सीन गाइस आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम जा रहे हैं, आपको पता ही होगा कहाँ जा रहे हैं, इस ड्रेसअप में और इसके साथ, ठीक है ना। इसके साथ कहीं घूमने तो जा नहीं सकते, चर्बी साला, क्या बोला तूने, ठीक है ना। तो हम जा रहे हैं फिलहाल आज जिम, आज क्या अभी जा रहे हैं जिम, और गाइस और आज जिम का सेट है हमारा। चल और गाइस आज हमारा बैग और बाइक का सेट अगेन गाइस, और आज है मंगलवार तो हम अंडे भी नहीं खा सकते, तो हमें खाना पड़ेगा आज बॉयल पटैटो गाइस। और उसके बाद वो जो सीन है, सीन वाली बात है, वो आपको बाद में बताऊंगा क्या गाइस, आपको दिखाऊंगा ही और उसका पूरा मैटर बताऊंगा कि क्या हुआ, क्या कैसे हुआ और क्या कैसे हो रहा है। तो कोई नहीं, अभी फिलहाल मिलते हैं सीधा आपको जिम में और शर्ट्स लगाते हैं। आज भी नॉर्मली लगाएंगे, जो लगाएंगे देखना आप, आपको भी शर्ट दिखाऊंगा। ओके डन, मिलते हैं जिम में। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं जिम में, अपनी वार्म अप, अपनी पुल अप्स हो चुके हैं, अभी फिलहाल डिप्स मारने के लिए बाहर आए हैं, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है हमारे साथ कुंवर सिंह, अब हम चल रहे हैं पनीर की दुकान पे। अब हम 80 रुपए का पनीर ले रहे हैं, चार बंदे जान दे देंगे इसके लिए। पर डे 20-20 मिला के हम 80 रुपए का पनीर लेते हैं आपके सामने। देखो अभी अंडी पनीर की दुकान आ चुकी है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। तो आंटी वहाँ पे कटिंग कर रही है पनीर की, अपनी पनीर आ चुकी है, फिलहाल मिलता खाने के बाद आपसे। और फाइनली गाइस पहुंच गया हूं गली में और जा रहा हूं घर पे। इतनी खुशी। एक चीज क्या खास होने वाली है गाइस, आज मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मिलिए हमारे एक भाई से। यो मैन, मिलिए हमारे भाई से। कुछ तो बोल दो भाई। क्या बोले भाई साहब? यो 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 हनी सिंह। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल गाइस मैं आपको बता रहा था आज का अपने घर के टूर के बारे में। सो गाइस ये वन ऑफ द लास्ट टूर होगा मेरे घर का, जो कि आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये एक मेमोरी बन के रह जाएगी मेरे लिए और मे भी जिसके लिए भी होना चाहे, ठीक है। तो ओए गाइस, अपने घर के बारे में मैं क्यों बताना चाहता हूँ आपको, ना मेरा घर कोई बुर्ज खलीफा है ना ताज होटल है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि क्योंकि गाइस क्योंकि क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। देख लो यार, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है ना, देख लो, ठीक है ना। टूर स्टार्ट करते हैं, चलो। सो गाइज ऊपर से मेरा घर कुछ ऐसा, ठीक है, ओके डन एवरीथिंग। ऊपर से दिखाने के लिए क्या है, और नीचे से कुछ ऐसा है, ठीक है ना। जिस घर में अभी हम स्टे करने वाले ना, उससे मेरा घर गाइज लाख गुना अच्छा है, लाख गुना क्या करोड़ गुना कहूँगा मैं तो। अभी फिलहाल उसका भी लास्ट में दूंगा आपको टूर, उस घर का भी जिसमें मैं स्टे करने वाला हूँ। फिलहाल आप बाहर से देखो मेरा घर कुछ ऐसा है, ठीक है ना। अभी अंदर चल के दिखाता हूँ, और मैं दूसरे की छत पे खड़ा हूँ, देख रहे हो आप, दूसरे की छत से ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। ओके चलते हैं नीचे अपने घर में दोबारा से। सो बेसिकली गाइस जस्ट घर के सामने हमारी काला घोड़ा खड़ा रहता है, और एंटर होने के लिए हमारे घर पे दो गेट हैं, बीच में मिडल में मीटर है, बाकी टंकी वगैरह गैलन वगैलन रखे हैं। और ये हम एंटर होते ही कुछ ऐसा सा व्यू है, यहाँ पे हमारा छोटा सा वॉशरूम, छोटा सा बाथिंग एरिया और रूम, ठीक है ना। अंदर चल के दिखाता हूँ गाइस आपको, ये है एक छोटा सा रूम, बाकी गेट वगैरह रख रखे हैं पहले से ही, और यहाँ अपनी साइकिल खड़ी होती है, और ये है कुछ ऐसा रूम यहाँ पर, वाटर वाटर पंखा बेचारा खराब हो रखा है, और ये मेरी होममेड रिंग लाइट,
बाकी वगैरह ठीक है ना। अब अंदर वाले कमरे में चलते हैं, चलो। तो अभी तक टिका हुआ बेचारा। हाँ बट बाकी गाइज ये है मेरा कुछ रूम ऐसा, जहाँ ये जो रूम है गाइज ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा पल बिताया हुआ इस रूम में। ये है जहाँ मैं काम करता था, अभी भी काम करने के लिए देख सकते हो आप, पीस रखे हैं, एंड ऑफ द टाइम अभी भी है ठीक है ना। इस रूम को तो मैं कभी नहीं भूलूँगा ठीक है। ओ यार सच में उधर कोने में जो तुम्हारा भाई बेस ट्यूब रख रखा है, और इधर जो तुम्हारे भाई के स्पीकर्स, और इधर तार लगाता हूँ गाने बजाने के लिए। और अभी चलते हैं सीधा अंदर, और अंदर जाने से पहले, हमारे लग्जरी रूम में जाने से पहले, इधर आता है हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन एक, ठीक है। ये है किचन अपना, और यहाँ तुम्हारा भाई कभी कभार बैठा करता है खाना खाते टाइम, जब भी कुछ खाना होता है। ये फिलहाल अभी हमने थोड़ा सामान जो टांड का सामान था वो उतार के नीचे रख दिया, क्योंकि टाइम देख रहे हो 12 बज चुके हैं, 11:45 वही 12 बज चुके हैं। और ये है हमारा, ये है तुम्हारे भाई का पर्सनल बेड, जब तुम्हारा भाई पसर के सोया करता है एकदम फैल के। और ये दूसरा बेड, और वहाँ कॉपी किताबें रखी हुई हैं, तुम्हारे भाई का ट्राइपॉड, और ये हमारी LCD। क्या बोला तूने यार, समझ लो 50 इंची की टीवी। और ये वॉल एक मैजिक दिखाऊंगा गाइस आपको। चलो अभी हम बंद करते हैं इस लाइट को और लगाते हैं एक प्लग। कैसा है कमेंट करके जरूर बताना ठीक है ना, ये नाइट के लिए है ठीक है। चलो ओके, ये हमारे प्लग, और ये रखे हैं इधर फ्रिज हमारा कोने होने में। ये है और ये है, क्या क्या है मेरे को तो खुद नहीं पता, क्योंकि इतना 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 भिज्जा भिज्जा हो चुका है ना ये रूम बहुत। भाई सोफे बैठ के अपना यूट्यूब चलाया करता था, बैठा करता था आराम से, और इधर से व्यू देखता रहता था हमेशा, बाहर का अलोन बैठा रहता था, अकेला एकदम फुल मज़े में चिल करता हुआ। फ्रिज के पास गया, खाने के लिए कुछ है नहीं है, वो देखा आ गया बैठ गया बस। तो ये यादें रह जाएंगी बस मेरे लिए ठीक है ना, इसने वीडियो बना के यार थोड़ी सी, बाकी जिसको देखने में इंटरेस्टेड हो देख सकता है, बाकी जिसको नहीं हो ये मिस तो करूँगा ही यार हर चीज़। बाकी तुम्हारा भाई वैसी भूलने की बीमारी है तुम्हारे भाई को, इस वजह से मैं यादें बनाना चाहता हूँ यार, हर पल की यादें बनाना चाहता हूँ ठीक है। और तो गाइज ये है वो हाउस जिसमें हम अभी के लिए फिलहाल स्टे करने वाले हैं। अंदर से चल के दिखाता हूँ कैसा, लाख गुना इससे हमारा घर अच्छा है, देख रहे हो परस। ये देखो अरे तो क्या ही बताएं इस घर के बारे में। और चल के दिखाता हूँ किचन, तो 1% के लिए ठीक भी है बट और कुछ नहीं है। ये देखो इधर कपड़े वपड़े पड़े हैं बस, आराम से रुक जा इस खाली होने के बाद। कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा रूम, कुछ नहीं होगा वो नॉर्मल पैसा होगा मली खरीदता बस। ये बेचारा मेरा बेड, और हमारे दोनों भाई हमारी मदद करते हुए फुल कमरा खाली करवा दिया। चलो भाई ब्रो उठवाओ,
एंड दिस इज द लास्ट सारा जो सामान आउट हुआ गाइस वो चीजें इस रूम में तो कुछ नहीं बचा साइकिल के अलावा साइकिल भी बाहर ही खड़ी फिलहाल गेट के अलावा और उसके अलावा एक जीना खड़ा है बाकी कुछ नहीं कुछ भी नहीं ठीक है ना। और अभी अंदर जाते हैं गाइस अंदर देखना ये हमारी किचन बिल्कुल ही खाली हो चुकी है मेरी आवाज़ भी गूंजने लग गई होगी अब मैंने लीड लगा रखी है फिर भी गाइस बेचारा ट्राइपॉड तभी तक वहीं तक रखा है बिल्कुल ही खाली। यो मैन तो अभी चल के दिखाता हूँ उस वाले रूम में कि हमने कैसा सेटअप बैठाया ठीक है ना। तो चलो जल्दी से चलते हैं हमने ये वाला अपना मैंने अपने ये वाला रूम भी नहीं खाली करा ये भी बिल्कुल अभी वैसा ही है। और गाइस ये रहा वो घर जिसमें शिफ्टिंग करिए देख लो कैसा लग रहा है ये रहा एक यहाँ बेड लगा रखा है एक यहाँ लगा रखा है ठीक है। और ये है कुछ ऐसा फ्रिज हमने यहाँ लगा रखा है किचन का सेटअप दिखाता हूँ किचन ये है किचन कुछ यहाँ की ऐसी गैस यहाँ रखी है एडजस्ट के लिए ठीक है ना। मच्छर बहुत है यार इस रूम नया घर है ना इसलिए मतलब मच्छर जो पसे थे इधर वही। और ये इधर तो ये वाला रूम तो ऐसी सामान रखने के लिए स्टोर रूम माफिक बना रखा है इसको ठीक है। और ये अलमारी रख रखी है इधर समझ लो ये स्टोरी रूम है एक तरफ से ठीक है ना पीछे काम चल रहा है इस वजह से आवाज़ आ रही होगी बाकी बस यही है भाई ने शुरुआत कर दी पहले तो कि मैं करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड आई होप गाइस आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय। एट द लास्ट गाइस अभी भी मैं अपने पुराने वाले रूम मतलब घर में ही हूँ पुराना तो नहीं कहूँगा घर में ही हूँ अभी तुम्हारा भाई बस काम करके ही हटा है और कुछ बात शेयर करनी थी तुमसे बस अभी मैंने माइक नहीं लगा रखा है इस वजह से बैकग्राउंड की जो नॉइज़ आ रही थी उसके लिए सॉरी और इको हो रही होगी मेरी साउंड उसके लिए भी सॉरी बट जो भी है गाइस जो घर होता है वो तो घर ही होता है और जिस घर में आप बचपन से पले हों बचपन से बड़े हुए हों उस घर को देखना उसमें रहना और जब वो रिन्यू होए तो उसको देखना और उसकी याद आना लाजमी बनता है ना। बट यार जो मेरा इमोशन है इस घर से अटैच जब ये मेरा घर ऊपर नीचे नहीं था तब भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था फिलहाल अब भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है टूट रहा है उसका तो मेरे को दुख है ही बट हर चीज का एक टाइम होता है खत्म होने के बाद दूसरा आता है लाइफ में चेंजमेंट और लाइफ में हर कुछ। बाकी यही शेयर करना था कि कुछ भी हो लाइफ में हमेशा ऐसे ही रहो बस हट जा भोसड़ी। बस यही है कि हर चीज़ का भी टाइम होता है ठीक है और बाकी मिस करूँगा अपने इस वाले घर को और क्या ही बोलूँ। गुड नाइट 11:30 बज चुके हैं रात के ठीक है बाय सी यू सून बाय।